हेलो नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित में आज आपका फिर स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर 6 से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकल्प 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर यदि है तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगा। इस सवाल को समझते, 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब डी ए अपॉन डी आर ज्ञात करना, ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। आर के सापेक्ष लेना मतलब बटे में आर रखना होगा, तो डी ए अपॉन डी आर। और ए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई आर स्क्वायर का यदि आप अवकलन कर देते हैं तो पाई तो एज इट रहेगा, जहाँ कितना रहेगा आर वर्ग का 2 आर हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर। अब जो 2 पाई आर आया है, यहाँ आर बराबर 6 रखना, तो आर बराबर 6 रख देते हैं, तो यहाँ पे 6 × 2 कर देते हैं, मतलब 12 पाई आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का हो जाएगा, 12 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है। एक उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपयों में एक आपके पास ये फलन दिया गया है और इससे प्रदत्त है एक्स बराबर 15 पर सीमांत आय क्या होगी। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब कुल आय दी गई है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कुल आय जो भी होती है उसका आप एक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये एक्स है, एक्स इकाइयों की बात कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष पहले हम उसका अवकलन कर लेते हैं। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, 3 × 2 = 6 एक्स हो जाएगा, 36 होगा, और 5 का 0 बन जाएगा। फिर कहा एक्स बराबर 15 पर, तो एक्स बराबर 15 इसमें रख लेते हैं, तो एक्स की जगह 15 रखते हैं, तो 6 × 15 हो जाएगा प्लस 36, 15 × 6 = 90 होगा प्लस 36, आंसर कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है 126 डी नंबर का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतराल में वाई बराबर एक्स वर्ग ई इनवर्स एक्स वर्धमान है। तो आपको अंतराल पता करना है कि कौन सा अंतराल होगा जिसमें ये वाला फलन वर्धमान होना चाहिए। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, आपके पास जो भी है उसका आप डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन कर लेते हैं, तो एक्स वर्ग और इंटू ई एक्स पहला फलन दूसरा फलन वाला फार्मूला यदि आप लगाते हैं तो पहला फलन दूसरे का अवकलन हो जाता है प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन हो जाता है। तो इस टाइप से जैसे हम अवकलन कर लेते हैं, अब यहाँ पे ई एक्स कॉमन है, एक्स भी यहाँ से कॉमन हो जाता है, तो माइनस का एक्स बचता है प्लस का 2 बचता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब वर्धमान फलन करते हैं तो वर्धमान फलन के लिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो भी आया है वो आप यहाँ पे रख लेते हैं, बड़ा होना चाहिए 0 से। अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार जो है एक्स ई एक्स इनवर्स के बराबर हम 0 ले सकते हैं, दूसरी बार इससे बड़ा 0 ले सकते हैं। यदि इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि माइनस एक्स 2 उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, दोनों साइड के माइनस काटेंगे तो एक्स जो है, फिर यहाँ पे जो चिन्ह है यहाँ बदल जाएगा, जब दोनों पक्षों के माइनस काटते हैं तो अभी आपका ग्रेटर देन था, अब लेस देन वाला चिन्ह बन जाएगा, तो एक्स का मान 2 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ यदि आप सॉल्व करते हैं तो ई एक्स तो अलग हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो बचेगा, एक्स का मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स का मान 0 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लगा के 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास जो 4 ऑप्शन थे कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो 0 से लगा के 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल है, एक वक्र है y बराबर 2x² प्लस 3 sin x और x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी आपको बताना है। तो जब अभिलंब की प्रवणता हम निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकाली जाती है। देखते हैं एक सवाल में देख लेते हैं कैसे निकालना है। जो भी आपके पास वक्र है पहले आप उसका अवकलन कर लेते हैं, तो अवकलन करने से जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है वो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब जो वाई है इस वाई का हमने अवकलन किया, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4x आएगा, 3 आएगा, साइन का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक्स बराबर 0 पे कहा गया, तो एक्स बराबर 0 पे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो 4 × 0 = 0 होगा, 3 × cos 0 = 1 होता है, तो यहाँ पे 3
स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 होती है। अब आपको एक चीज पता होगी कि जब अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं तो उसका फार्मूला -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता करना होता है, तो -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब 3 कर देंगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा -1 अपॉन 3, डी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बताया गया है कि किस बिंदु पर वाई बराबर एक्स प्लस वन वक्र जो है वाई वर्ग बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक वक्र है आपके पास वाई वर्ग बराबर 4x और ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। 1, 2 पर होगा या 2, 1 पर या 1 -2 -1, 2 पर होगा, किस बिंदु पे होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1, 2 रख के देखना है इसमें। 1, 2 यदि आपने इसमें रखा, x की जगह हमने 1 रखा, y की जगह 2 रखा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बराबर 2 हो रहा, मतलब j हो जाएगा बिंदु। यदि आप 2, 1 रख के देखते हैं, x की जगह 2 रखते, y की जगह 1 रखते तो 1 बराबर 3 होगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ यदि 1 -2 रख के देखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। यदि -1, 2 रख के देखते हैं वो भी गलत हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 1, 2 बिंदु हो सकता है जिसपे स्पर्श रेखा होगी। 1, 2 को आप यहां भी चेक कर सकते हैं तो भी बिल्कुल संतुष्ट कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 वह बिंदु होगा जहां पे जे वाई बराबर एक्स प्लस वन स्पर्श रेखा है। तो बिंदु आप इस टाइप से सॉल्व करके बता सकते हैं कि 1, 2 हो जाएगा वो वाला बिंदु जहां पे स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यदि आपसे पूछ लिया जाता है विकल्प में कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, तो आपको पता है जो वक्र होता है उस वक्र का जो हम अवकलन करते हैं dy/dx वो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है और इसे हम tan थीटा के द्वारा भी बता सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो dy/dx होती है या फिर आप tan थीटा भी बता सकते हैं। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वक्र है आपके पास fx और उसके किसी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा का यदि आपको समीकरण बनाना है तो समीकरण क्या होगा, ये समीकरण बताने के लिए कहा गया है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण जब ज्ञात करना है तो पहले तो आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता होनी चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता और बिंदु यदि दोनों चीजें हैं तब आपके पास जो रेखा का समीकरण होता है जे होता है, जे आपने पिछली क्लास में भी यदि पढ़ा होगा कि y-y1 पढ़ा था या y-y0 कर लेते हैं और यहाँ पे प्रवणता रखते हैं dy/dx और जो कि किस बिंदु पे x0 y0 पे बिंदु पे होनी चाहिए और फिर इंटू में x-x1 होता है, जे वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, y-y1 इंटू एम पढ़ा था, एम ही प्रवणता कहलाती है, y-y1 एम इंटू x-x1 होता है। तो x1 y1 अब 0 0 हो चुके हैं, y1 जो है यहाँ पे नहीं है, y0 हो गया, x1 नहीं है, x0 हो गया, बस m की जगह उस m का मान रखा है जो dy/dx के फॉर्म में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y-y1 मतलब y0 होगा और यहाँ पे x-x1 मतलब x0 होगा और यहाँ पे आपको उसकी ढाल प्रवणता रखनी होगी जो dy/dx कहलाती है इस वाले बिंदु पर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है कि एक वक्र y/fx है उसकी स्पर्श रेखा x/x0 अक्षों के यदि समांतर है तो फिर क्या होता है स्पर्श रेखा, यदि आप ध्यान देना, यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे जे दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, जब जे दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो कह सकते हैं हम जो dy/dx है उसका मान फिर कितना आने लगता है, 0 आने लगता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, यदि हमारा वक्र जो है x अक्ष के समांतर है तो फिर स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है या स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx का मान 0 होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता का मान 0 होता है, मतलब dy/dx 0 होता है क्योंकि x0 और x बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, इसलिए dy/dx का मान 0 हो जाता है। लेकिन यही चीज़ यदि पूछ लेते y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर है, देखिए x अक्ष के समांतर है तो dy/dx का मान 0 होता है, लेकिन y अक्ष के समांतर होता है यदि
तो फिर उसकी समांतर रेखा जो स्पर्श रेखा होती है उसकी जो प्रवणता होती है वो इन्फिनिटी होती है। जी आप याद रखिए, यदि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इन्फिनिटी, लेकिन यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 होता है। फिर देखते हैं अगला क्या है। एक वक्र है, एक बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो आपने अभी जो देखा था वो था स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी में थोड़ी सा यदि आप चेंज कर देते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा की हमने प्रवणता रखी है, यदि अभिलंब की प्रवणता आप रख देते हो यहीं पे तो आपका अभिलंब का समीकरण बन जाएगा। और अभिलंब की प्रवणता हमने बताई भी होगी पिछले सवालों में, यदि आपने किए होंगे, बताया था कि यहाँ पे 1-1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको करना होता है। तो हमने क्या किया है, जे सब y-y0 x-x0, और यहाँ पे जो प्रवणता होती है -1/ स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण जब भी आपसे पूछा जाए तो y-y1 कह सकते हैं, x-x1 इंटू में जो होती है यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता होती है, अभिलंब की हमें पता नहीं होती है, तो -1/ स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है फिर इसका अभिलंब का समीकरण। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि dy/dx का मान 0 हो जाए तो अभिलंब का समीकरण फिर x=x0 होता है। ये चीज भी बहुत IMP है, आप याद रखिए कि यदि यहाँ पे भी हमने देखा था कि स्पर्श रेखा जी यदि ऐसा हो जाता है dy/dx=0 हो जाता तो x=x0 हो जाता, वही स्पर्श रेखा हो जाती है, वही अभिलंब हो जाता है। तो यदि dy/dx का मान 0 हो जाए तो x=x0 अभिलंब का समीकरण हो जाता है। इस प्रकार से हमने चैप्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण विकल्प समझे। महत्वपूर्ण विकल्प आपको कैसे लगे हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।